फुटबॉल का गेम दुनिया का सबसे बड़ा गेम माना जाता है। कहा जाता है कि फुटबॉल यानी सॉकर की जितनी ऑडियंस और फैन फॉलोइंग्स है उतनी दुनिया के किसी स्पोर्ट की नहीं है। फुटबॉल के गेम्स में केवल हैवी अमाउंट में फैंस ही नहीं बल्कि प्लेयर्स, कोचेस और सपोर्टिंग स्टाफ को मिलियन यूरोज में पैसे भी मिलते हैं। इंडिया में फुटबॉल की फैन फॉलोइंग्स अच्छी है और धीरे धीरे न्यू फैंस टॉप लीग के फुटबॉल में इंटरेस्ट दिखाने लगी है। ये टॉप लीग ज्यादातर यूरोपियन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन फुटबॉल को यूरोपियन फुटबॉल से कंपेयर करेंगे। मोस्ट नंबर ऑफ गोल से लेकर बेस्ट प्लेयर्स तक हम इन सभी चीजों के बारे में कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। इंडिया में फुटबॉल ब्रिटिश सोल्जर्स द्वारा मिड 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को इंडियन फुटबॉल का फादर कहा जाता है। उनके एफर्ट्स की वजह से इंडियन फुटबॉल आज आगे बढ़ पाया है। 1888 में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने दुरंत कप का अनाउंसमेंट किया। सोवा बाजार क्लब इंडिया की पहली ऐसी टीम थी जिसने सक्सेस पाया था। उन्होंने 1892 में ट्रेड्स कप जीता था। वहीं 1863 के इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन की खोज की गई थी और फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स अनाउंस किए गए थे। 19th सेंचुरी के एंड तक ये गेम पूरी दुनिया में फैल चुका था। 1904 में मेजर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल की खोज की गई थी जिसे आप फीफा के नाम से भी जानते होंगे। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। वाल्टर विंटरबॉटम वर्ल्ड फुटबॉल का फादर कहा जाता है, लेकिन हर कंट्री में अलग अलग लोगों को फुटबॉल को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। एफए कप दुनिया का मोस्ट फेमस डोमेस्टिक कंपटीशन है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत जुलाई 1871 में हुई थी। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन है। नंबर टू, मेजर टूर्नामेंट्स। यूरोप के अलग अलग जगहों पर अलग अलग डोमेस्टिक लीग्स खेले जाते हैं। हर कंट्री की एक अलग डोमेस्टिक लीग है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। हम कुछ फेमस लीग्स की बात करेंगे। स्पेन का एक मेजर लीग है ला लिगा। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। लीग फुटबॉल में हर टीम सेम नंबर के मैचेस खेलते हैं जिसमें अगर वो मैच जीते तो 3 पॉइंट्स, ड्रॉ किए तो 1 पॉइंट और हारने पर 0 पॉइंट्स गेन करते हैं। आखिर में जिस टीम का सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वह लीग जीत जाती है। ला लिगा की कुछ फेमस टीम्स हैं बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड। ये टीम्स ही ज्यादातर लीग को डोमिनेट करती हैं। इस बार एटलेटिको मैड्रिड ने ला लिगा को जीता था। ला लिगा के अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग भी एक बहुत फेमस लीग है। इस लीग का 20 फरवरी 1992 में स्टार्ट किया गया था। प्रीमियर लीग की कुछ फेमस टीम्स के नाम हैं मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल। इसके अलावा भी कई टीम्स हैं जिनके पूरे वर्ल्ड में फैंस हैं। इस बार मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीता था। हमने जिन टूर्नामेंट की बात की वह सब डोमेस्टिक लीग के टूर्नामेंट्स हैं। 1955 में यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने मिलकर चैंपियन लीग टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट की जिसमें डोमेस्टिक लीग टूर्नामेंट्स की टॉप टीम्स एक ही टूर्नामेंट में आकर एक दूसरे से कम्पीट करेगी। यूईएफए चैंपियंस लीग को करंट में बेस्ट टूर्नामेंट कहा जाता है और चेल्सी एफसी ने इस टूर्नामेंट को लेटेस्ट में जीता है। वहीं इंडिया में सबसे मेजर डोमेस्टिक टूर्नामेंट आई लीग को कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इस लीग में कंट्री की टोटल 11 टीम्स खेलती है। इस बार गोकुलम केरला एफसी ने इस बार का आई लीग जीता था। इसके अलावा 2013 में रिलायंस द्वारा इंडियन सुपर लीग की अनाउंसमेंट की गई थी जो कि जल्द ही इंडिया का एक मेजर टूर्नामेंट बन गया। मुंबई सिटी एफसी ने 2022-2021 का सीजन अपने नाम किया था। चैंपियन लीग की ही तरह एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की अनाउंसमेंट 8 मई 1954 को की गई थी जिसमें एशिया की मेजर डोमेस्टिक लीग्स की टॉप टीम्स साथ में कम्पीट करती है। उल्सन हुंडई ने 2020 में एएफसी कप को जीता था। नंबर थ्री, नेशनल टूर्नामेंट्स। इंडिया में नेशनल टीम को पब्लिक से सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। फीफा हर 4 इयर्स में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वर्ल्ड की टॉप नेशनल टीम्स कम्पीट करती है। फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहली बार 1930 में खेला गया था। इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए नेशनल टीम्स को सबसे पहले अपनी ग्रुप की टीम को हरा कर क्वालिफाई करना पड़ता है। इंडिया अब तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट्स हो रही है और टैलेंटेड प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं। वहीं यूरोप में भी फीफा वर्ल्ड कप कंट्रीज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप में मोस्टली यूरोपियंस की ही टीम सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा यूरोप में यूरो कप भी खेला जाता है जिसमें केवल यूरोप की टॉप टीम्स खेलती है। इस टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट 1958 में की गई थी और ये टूर्नामेंट भी हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। नंबर फोर, मोस्ट ट्रॉफीज वन बाय अ टीम। इंडिया में आई लीग को डेम्पो नाम की टीम ने सबसे ज्यादा बार जीता है। उन्होंने ये खिताब 3 बार जीता है। वहीं यूरोप में चैंपियंस लीग टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम का नाम है रियल मैड्रिड। उन्होंने ये टूर्नामेंट टोटल 13 बार जीता है। नंबर फाइव, बेस्ट प्लेयर्स।
किसी भी कंट्री में फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक टीम स्पोर्ट है, लेकिन इंडिया में करंटली सुनील छेत्री को बेस्ट प्लेयर माना जाता है। फिलहाल में ही उन्होंने अपनी नेशनल टीम के लिए मोस्ट गोल स्कोर किए हैं, जिसे वर्ल्ड रैंकिंग में वह दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा गोल मारने वाले प्लेयर बन गए। वहीं यूरोप में बेस्ट प्लेयर का नाम बताना और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेयर का खिताब लियोनेल मेसी को मिला है। उन्होंने ये प्राइज 6 बार जीता है। उनके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस प्राइज को 5 बार जीता है। हमें पूरा यकीन है आपने इन प्लेयर्स के नाम जरूर सुने होंगे। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।